हेलो फ्रेंड्स, पतंजलि का हैंड सैनिटाइजर का डेमोस्ट्रेशन देख लीजिए किस तरीके से इसे यूज़ करना है। थोड़ा सा एप्लीकेशन लीजिए, ये मेक श्योर कि आपका ये 2 to 5 ml होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ml लिया है और इसे इवेनली आपके हाथ के पाम पे रब कर लीजिए वो डिसअपियर होने तक, और आपका हो चुका, मतलब हाथ क्लीन हो चुका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DZY टेक अनबॉक्सिंग ब्लॉग के अनदर वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है पतंजलि के ओर से हैंड सैनिटाइजर जेम एक्स। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने कल का वीडियो दिखाया था आपको, पतंजलि का दंत कांति, ये उसके ऊपर मुझे फ्री मिला है एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। शायद से पतंजलि की ओर से ये नया प्रोडक्ट हो, क्योंकि इसके पहले मैं पतंजलि के दंत कांति के मतलब छोटे पैक ले रहा था 100 ml के, 200 ml के, मतलब ग्राम क्वांटिटी वाले। तो परसों के दिन मैंने सडनली मतलब 500 ग्राम का लिया था, जिसके ऊपर मुझे ये फ्री मिला है। हो सकता है आपने इसके पहले इसे यूज़ किया हो, या आपके लिए ये नया नहीं हो, तो मेरे लिए तो ये नया है। इसके लिए मैंने इसका मतलब रिव्यू करना उचित समझा। इसके पहले मेरे पास बहुत सारे है, डेटॉल के है, लाइफ बॉय के है, और जो नॉर्मल आते हैं ब्लू कलर के जो कैन में आते हैं ना, वो भी है। तो मुझे ये थोड़ा मतलब नया दिखा, और पतंजलि तो हर किसी को अच्छा लगता ही है, तो इसके लिए मैंने मतलब उचित समझा कि आपको इसका रिव्यू और ये क्या है वो आपको बता दूँ। तो सबसे पहले ये जो है पतंजलि का है जर्मैक्स नाम। ठीक है, और इसमें लिखा गया है मतलब 99.9% आप इसे जम्स को किल कर सकते हो। और इसकी टोटल जो क्वांटिटी है वो है 50 ml है। थोड़ा यहाँ पे जूम करता हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। चलिए इसके पीछे क्या दिए गए हैं इंग्रेडिएंट, उसे वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है, और इसका कंपोजिशन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है तुलसी लिक्विड एक्स्ट्रैक्ट लिखा गया है, यहाँ पे नीम लिक्विड एक्स्ट्रैक्ट लिखा गया है, यहाँ पे एलोवेरा लिक्विड एक्स्ट्रैक्ट लिखा गया है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है ओकिमम सेंटम LF लिखा गया है, जो 100 mg है, और यहाँ पे एजेडिरेक्टा इंडिका लिखा गया है, और यहाँ पे एलो बार्बरडाइनिस लिखा गया है 100 mg। ठीक है, ये कुछ अलग नाम है मेरे लिए, मुझे इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, ठीक है, और ये जो लिखे गए वो 100 mg के हिसाब से है। और इसके बेस मटेरियल में आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है इथल अल्कोहल लिखा है 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है प्रोस्पेंडियोल एक्रेलेट्स लिखा गया है C10 30 एक्रेलेट, ठीक है, ये सब केमिकल्स है इसके। तो ये केमिकल्स इसके लिए है ताकि ये इजीली मतलब ख़राब नहीं होता है, इसकी शेल्फ लाइफ जो है मतलब ये काफ़ी अच्छे समय के लिए, मतलब ये
ये रहता है, सेफ रहता है, सेफ मीन्स ये खराब नहीं होगा आपका। बाकी इसमें लिखा गया है, इसका यूसेज लिखा है यूजफुल इन जंप प्रोटेक्शन लिखा गया है, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ यूज, सॉरी डायरेक्शन फॉर यूज लिखा गया है, स्क्वीज आउट डिजायर 2 to 5 ml अमाउंट ऑफ हैंड सैनिटाइजर, और यहाँ पे लिखा गया है हर्बल कॉम्पोजिशन में रिजल्ट इन चेंज ऑफ कलर ऑफ प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, आपके हाथों पे मतलब आपके हथेलियों पे 2 से 5 ml का इसका एप्लीकेशन लेना है, ठीक है, और इसे अपने हाथों पे लेने के बाद इसे दोनों हाथों से अच्छे से रब कर लीजिए ताकि ये पूरी तरीके से वैनिश हो सके, ठीक है। वैनिश होने के बाद आपका मतलब हाथ जो है वो क्लीन हो जाएगा। ये हैंड वॉश लगाने का पर्पज़ यही है कि अभी देखिए कोरोना के वजह से हमें कितना कुछ मतलब सहन करना पड़ा है, तो इस रिलेटेड अभी बहुत सारे ब्रांड के आ रहे हैं। इसके पहले लाइफ बॉय के थे, लाइफ बॉय के तो पहले से ही आ रहे हैं हैंड सैनिटाइज़र, और दूसरे भी नॉन ब्रांडेड के भी थे जो मैं पहले बहुत यूज़ करता था मेरे मतलब ऑफिस यूज़ के लिए, और अभी जो नया पतंजलि का तो मैंने पहली बार ही देखा है, इसके पहले मैंने कभी देखा नहीं था। हो सकता है ये पहले आ चुका होगा लेकिन ये मेरे लिए पहली बार ही था, इसके लिए मैंने इसका वीडियो मतलब बनाना उचित समझा, तो वही मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी इसमें दिया गया है, देखिए ये जो लिखा गया है स्टोर इन कूल डार्क एंड ड्राई प्लेस स्टोर बिलो 30 °C, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सपायरी डेट लिखा है 24 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और ये 50 ml का क्वांटिटी में है, और इसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल रहा नहीं है, थोड़ा देखता हूँ मैं। आगे पीछे यहाँ पे किधर लिखा तो नहीं है, शायद से इसके कॉर्नर पे होगा, तो एक बार देखते हैं हम थोड़ा आगे पीछे घुमा के। इवन यहाँ पे इसका MRP प्राइस भी नहीं लिखा गया है क्योंकि शायद से ये कॉम्प्लीमेंट्री है पतंजलि की ओर से, या तो मतलब पब्लिक के लिए ये मतलब सर्वे होता है ना, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो उसे लॉन्च करने से पहले कस्टमर के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है और कस्टमर के रिव्यू। देखिए मुझे यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल चुका है जो कि लिखा गया है 6 जून 2022, शायद से जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके टॉप पे आप देखेंगे ना तो 6/22 लिखा है, मतलब ये मंथ ऑफ जून में मैन्युफैक्चर हुआ है, ईयर ऑफ 2022, ठीक है। तो ये आने वाले जो नेक्स्ट 2 ईयर्स रहेंगे, मतलब ये मतलब मई के आसपास पकड़ लीजिए 2024, ये तब तक ये इसका एक्सपायरी डेट रहेगा, मतलब ये इसको कुछ नहीं होगा। अगर आप 24 मंथ्स से कैलकुलेट करेंगे तो ये ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स रहते हैं, तो ये 24 मंथ्स अगर काउंट करेंगे तो ये 2 ईयर्स होता है, ठीक है। तो यही है, बाकी इसमें तो कुछ लिखा गया तो नहीं है इसका प्राइस भी, ताकि मैं आपको बता सकूँ ये कितने का है, ये मतलब ताकि कोई जो लेने वाले रहेंगे जिनको मतलब हैंड सैनिटाइज़र लेना है तो उनको मैं बता सकूं। ऐसा कुछ प्राइस तो लिखा गया नहीं और ना ही मैंने कुछ सर्च किया इसके बारे में, जो भी मैं बता रहा हूँ ये अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ।
बस इसमें कुछ इतना खास तो नहीं है, एक सैनिटाइजर है पतंजलि, एक नाम ब्रांड एक फेमस है अपने मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए और प्योरिटी के लिए, बस इसके वजह से ही मैं इसका रिव्यू करना चाह रहा था। तो बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही। और मेरे चैनल पे पहली बार आए रहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहे। और बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू देखने के लिए। और कुछ इतने इसमें इतना खास तो है नहीं बताने जैसा, और ना ही मैंने कुछ रिसर्च किया है। प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है और इसे मैंने यूज़ किया है, आप स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा ही होगा, आप डेमो देख लीजिए।